हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट सेक्शन बनाने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे इतना काम कर लिया है, नैवबार एंड हीरो सेक्शन रेडी है। नाउ हमें थर्ड सेक्शन बनाना है इसका, प्रोजेक्ट्स। तो चलिए उस पर काम स्टार्ट करते हैं अपना। हमने एक डिव बनाया जिसमें क्लास डाली कंटेनर की। ओके, सो नेक्स्ट अब डिव बनाते हैं जिसमें हम सबसे पहले हमारे को अपने सेक्शन की हेडिंग लिखनी है। सो हेडिंग के लिए हम लोगों ने इसे हेडिंग क्लास दी एंड इसका हमने नाम रखा माय प्रोजेक्ट्स। ओके ओके, सो ये हमारा यहाँ पे आ गया, बट इसका फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है, तो चलिए इस पर काम करते हैं। फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 3.3 rem 3.4। ओके यस, फॉन्ट ठीक है, बट अब एक तो हमें इसे सेंटर अलाइन करना है, सेकेंडली हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो पहले सेंटर अलाइन करते हैं। सेंटर अलाइन के लिए हम गए, हमने इसे टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर दिया। ओके, सो टेक्स्ट सेंटर आ गया। नाउ हमें इसका थोड़ी सी ऊपर से पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 5। ओके, से पैडिंग आ गई। नेक्स्ट अब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए हम गए fonts.google.com पे। यहाँ पे जाके हमें फॉन्ट सर्च करना है। ये रहा सांसिता स्वास्थ्य। इस फॉन्ट को हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। ये रहा ये इसका लिंक, इसे हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट करने वाले हैं। ओके, ये पेस्ट। नाउ इसे यूज़ करने के लिए हमें ये वाली फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है। ओके, सो हम लोग गए अपने हेडिंग में एंड यहाँ पे हमने ये फॉन्ट फैमिली ऐड कर दी। ओके, सो सी इसका फॉन्ट चेंज हो गया। नाउ इसका हम थोड़ा सा फॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर हम डालेंगे इसका F6। ओके, सो अभी बढ़िया लग रहा है। नाउ इसमें हमारे को अपने एंटायर प्रोजेक्ट की डिटेल्स, उसके लिंक्स, उसका नाम, ये सब चीज़ें डिस्प्ले करनी है। सो उसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप कार्ड यूज़ करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप पे जाके हम लोगों ने कार्ड सर्च किए एंड ये फर्स्ट कार्ड आएगा, हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ओके, कॉपी कर लिया। बट इसे यूज़ करने से पहले हमें क्या करना है, जो हमारा पूरा एंटायर सेक्शन है उसमें एक रो क्रिएट करेंगे एंड यस, एंड इसके अंदर हमें पार्टीशंस करने अपने कॉलम्स के, कितने, 4-4 के। ओके, ये हमने पार्टीशन करे, पहले पार्टीशन में अपना एक कार्ड पेस्ट कर दिया। सो ये हमारे पास कार्ड आ गया। कोई इसमें इमेज अभी हमारी नहीं है, इसलिए डॉट डॉट सारे हैं, तो इमेज यूज करते हैं। ओके, सो यस, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन आ गया। ओके, आगे चलते हैं। सेम हमारे को काम करना है आगे के लिए, तो ऐसे ऐसे हमने 3 सेक्शंस बना लिया। सी ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग और देनी है, तो इस रूम में हम ऊपर पैडिंग दे देंगे। यहाँ पे पैडिंग आ गई। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन रेडी है। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सा डमी कंटेंट पेस्ट कर लेते हैं। यस, ओके, यस, एंड यहाँ ओके, ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे हम लोग अपना गो समवेयर की जगह यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लिंक डाल देंगे। ओके, सो ओके,
एंड इसमें हम चाहे तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं, इन बटन्स को हम बॉर्डर दे सकते हैं। ओके यस ठीक है, तो ये हमारे सारे बटन्स पे बॉर्डर आ गया। नाउ थोड़ा सा हम चाहें तो हल्की सी और यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जो ये हमारे पास टाइटल है, इस टाइटल को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, तो इसमें हमने दे दी क्लास, दे दी प्रोजेक्ट टाइटल की, जो कि हम अपने सारे के सारे टाइटल्स में डिफाइन कर देंगे। सब टाइटल्स में ये क्लास डिफाइन हुई, एंड CSS में जाके इसमें बैकग्राउंड कलर। ओके सो ये हमारा यहाँ पे कलर आ गया इस पे। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें एनिमेशन डालनी है, फ्लिप एनिमेशन। वो कैसे, उसके लिए हमें सर्च करना है AOS एनिमेशन। तो ये आ गया ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एनिमेशंस अवेलेबल है, ये फेड एनिमेशंस हैं, यहाँ पे फ्लिप एनिमेशंस हैं, तो हम लोग ये फ्लिप एनिमेशंस यूज़ करने वाले हैं। ओके इन्हें यूज़ कैसे करना है वो हमें इसी में लास्ट में मिलेगा। तो ये रहा, यस ये एक CSS लिंक है हमारे पास, CSS का CDN लिंक, इसे हमें अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है। तो चलते हैं इधर, यह है AOS एनिमेशन से यहाँ, एंड ये JavaScript का है, इसे हम लास्ट में डालेंगे। यस AOS एनिमेशन, एंड इसे AOS को इनिशियलाइज करना होगा, ये हमने इसे इनिशियलाइज किया। नाउ अब हम लोग डायरेक्टली अपनी जो एनिमेशन हमें पसंद है उसे यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा टैग ऐड करना है, एट्रीब्यूट सॉरी, ये डेटा AOS फ्लिप टू लेफ्ट और फ्लिप टू राइट। हम अपने कार्ड्स में जाएंगे एंड वहाँ पे इसे ऐड कर देंगे यहाँ पे। ओके हमने फ्लिप लेफ्ट ऐड कर दिया, सो ये हमारा फ्लिप होके आने लगा। ओके सेकेंड वाले में हम फ्लिप राइट ऐड कर देंगे एंड थर्ड वाले में फिर से फ्लिप लेफ्ट, एंड थर्ड वाले में फ्लिप लेफ्ट। ओके सो ये हमारे हो गए। जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे ये हमारे फ्लिप होके आएंगे। ओके सो ये हमारे पास प्रोजेक्ट सेक्शन हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना एक्सपीरियंस वाला सेक्शन बनाएंगे, जिसमें बैकग्राउंड में हमारे पास पैरालेक्स इफेक्ट रहेगा। ओके सो टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।